नमस्कार बच्चों, जियोग्राफी क्लास ट्वेल्थ अध्याय एक भूगोल विषय के रूप में, यानी भूगोल एक विषय के रूप में अपने अध्ययन कर रहे थे। कल अपने भूगोल का अर्थ समझा, भूगोल के बारे में पढ़ा, भूगोल क्या है, भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, इन तथ्यों के बारे में अपने कल चर्चा कर ली थी। आज अपने भूगोल के विषय कौन कौन से हैं, उन विषयों को जानेंगे कि भूगोल के अंतर्गत हम किन किन विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे, किन किन तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उन तथ्यों से अवगत होंगे, फिर हम इन तथ्यों का विस्तार पूर्वक क्या है वर्णन समझेंगे। तो आज अपने समझेंगे कि भूगोल के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भूगोल के अंदर जो प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं, यानी इस पृथ्वी पर जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हैं, जो धरातल के भाग हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो प्राकृतिक भूगोल है, प्राकृतिक विज्ञान है, उसके अंदर भौमिकी, यानी इस पृथ्वी की जो भूमि है उसके बारे में, उसको अपने जानेंगे कि इस पृथ्वी की जो भूमि है, जो धरातल है वो कैसा है। फिर इस पृथ्वी पर स्थित जो समुद्र है उनका अध्ययन हम समुद्र विज्ञान के अंदर करते हैं। वनस्पति शास्त्र के अंदर इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे पादप प्रजातियां हैं उनका अपने वनस्पति शास्त्र के अंदर अध्ययन करते हैं। जीवन विज्ञान में, ठीक है, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो जीवन है, जीव जंतु है, प्राणी जात हैं, ठीक है, उन सब के बारे में, उन जीवन के बारे में अपने पढ़ते हैं। मौसम विज्ञान के बारे में, ठीक है, और अन्य सह विज्ञान हैं और सामाजिक विज्ञान के बारे में अपने प्राकृतिक भूगोल का जो प्राकृतिक विज्ञान है विषय, उसके अंतर्गत अपने इन तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। भूमिकी है, समुद्र विज्ञान है, वनस्पति शास्त्र है, जीवन विज्ञान है, मौसम विज्ञान है, अन्य सह विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इन सब का तथ्य, ये सब तथ्य हैं जो अपने प्राकृतिक विज्ञान या प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत इन सब विषयों के बारे में अपने पढ़ेंगे। इसके बाद में अन्य सहयोगी जो विषय कौन कौन से हैं, अर्थशास्त्र के अंदर इस पृथ्वी की ऊपर जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है उसको अपने अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। इस पृथ्वी पर जो राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है उसका राजनीतिक विज्ञान के रूप में अध्ययन करते हैं। सामाजिक जो व्यवस्था उसका समाजशास्त्र के रूप में अध्ययन करते हैं। नृ विज्ञान का भी इसके अंतर्गत अपने अध्ययन करते हैं। ये अन्य सहयोगी विषय हैं भूगोल के, जिनके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। इसके बाद में भूविज्ञान, भूविज्ञान के अंदर क्या है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का विज्ञान भी कहा जाता है। पृथ्वी के विज्ञान के अंदर, ठीक है, जो भूविज्ञान है उसके अंदर इस जो पृथ्वी का जो धरातल है, ये धरातल है, इस धरातल की आकृतियाँ कौन कौन सी है उनको हम भूविज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा जो विषय है मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ठीक है, मौसम से संबंधित जितनी भी जानकारी है, ठीक है, वो मौसम विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसको जलवायु विज्ञान भी कहा जाता है। तो मौसम विज्ञान की सारी जानकारी, जलवायु की सारी जानकारी, अपने इस पृथ्वी पे जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती है, जलवायु है, ठीक है, इस पृथ्वी पे कहाँ कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, उनका अध्ययन हम मौसम विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। तीसरा है जल विज्ञान, यानी इस पृथ्वी पे पाए जाने वाले जो समुद्र है उन समुद्रों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, उसको समुद्र विज्ञान भी कहा जाता है। इससे हमें इस पृथ्वी पे कितना जल पाया जाता है समुद्रों के अंदर, ठीक है, उसकी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद में मृदा भूगोल के अंदर इस पृथ्वी की जो पृथ्वी पे जो मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, उसका हम मृदा विज्ञान के रूप में भूगोल में अध्ययन करेंगे। वनस्पति विज्ञान, पादप भूगोल, यानी इस पृथ्वी पे जितने भी पादप पाए जाते हैं, ठीक है, उन सब पादपों का अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो विषय है वो है प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान के अंतर्गत हम इस पृथ्वी पे, ठीक है,
पाए जाने वाला जो प्राणी है उसका अध्ययन हम प्राणी भूगोल के अंतर्गत प्राणी विज्ञान के माध्यम से करेंगे। पारिस्थिति विज्ञान के अंदर, ठीक है, मानव भूगोल, जो मानव भूगोल है उसका हम पारिस्थितिक विज्ञान के रूप में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण भूगोल के अंदर पर्यावरण से संबंधित जानकारियां हासिल करेंगे। इसके बाद में है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत हम जो मानव शास्त्र है, ठीक है, सांस्कृतिक जो समाज है उसके रीति रिवाज, मेले, पर्व, त्यौहार, ठीक है, तो उनके बारे में अपने मानव शास्त्र के अंदर अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो विषय है वो है भौगोलिक चिंतन, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अपने क्या है, भौगोलिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। समाज शास्त्र, सामाजिक भूगोल के अंदर हम समाज शास्त्र के बारे में जानेंगे, सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक भूगोल में हम इस पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानेंगे। राजनीतिक भूगोल में इस धरातल पर क्या है, ये जो हमारी पृथ्वी है, जो भूगोल है, ठीक है, उसमें राजनीति शास्त्र से संबंधित, राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित हम जानेंगे। जनसंख्या भूगोल के अंदर हम जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक भूगोल में का जो अध्ययन है इस पृथ्वी का, ठीक है, उसमें अर्थशास्त्र से संबंधित इस पृथ्वी पे, ठीक है, जितनी भी घटनाएं घटित होती है, अर्थशास्त्री जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार होती है, उन सब के बारे में हम आर्थिक भूगोल में जानेंगे। नेक्स्ट जो विषय है वो है गणित एवं खगोलीय की, गणित एवं खगोलीय भूगोल, ठीक है, उसमें गणित एवं खगोल ये जो है उनके बारे में अपने जानकारी हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अपने भूगोल के विषय के बारे में समझा। जो भूगोल के विषय क्षेत्र हैं वो प्राकृतिक, जो भूगोल है उसमें प्राकृतिक विज्ञान है, उसके जो विषय हैं भौमिकी है, समुद्र विज्ञान है, वनस्पति शास्त्र है, जीवन विज्ञान है, मौसम विज्ञान है, अन्य सह विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। इसके बाद में नेक्स्ट अन्य सहयोगी जो विषय कौन कौन से हैं, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र है, नृ विज्ञान है, भू विज्ञान के अंदर भू आकृति विज्ञान है, मौसम विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा भूगोल, वनस्पति, पादप भूगोल, प्राणी विज्ञान, प्राणी भूगोल, परिस्थिति विज्ञान, मानव भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, मानव शास्त्र इत्यादि हैं। इसके बाद में भौगोलिक चिंतन में दर्शन शास्त्र है, सामाजिक भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है इतिहास के बारे में, राजनीतिक भूगोल है, राजनीति शास्त्र, जनसंख्या भूगोल, जनाकी, आर्थिक भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित एवं खगोलीय, गणित एवं खगोलीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम इस जो मानव भूगोल एक विषय के क्षेत्र में है उसमें हम इन विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम उन विषयों को समझे हैं कि विषय कौन कौन से हैं, ठीक है, तो प्राकृतिक भूगोल के अंदर प्राकृतिक जो विज्ञान है, ये जो भूगोल है ये सब धरातल है, ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी पर हम क्या है, इसकी जो भूमि है, समुद्र है, वनस्पति है, जीवन है, मौसम है, ठीक है, सामाजिक है, सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक जो क्रियाएं होती है, राजनीतिक जो गतिविधियां होती है, सामाजिक जो गतिविधियां होती है, मौसम संबंधी जो गतिविधियां होती है, ठीक है, इस पृथ्वी पे जो भू आकृतियां हैं धरातल की, कौन कौन सी आकृतियां हैं, कैसे निर्मित होती है, जल विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, मानव भूगोल है, पर्यावरण विज्ञान है, ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल है, और भौगोलिक चिंतन है, दर्शन शास्त्र, सामाजिक भूगोल, समाज शास्त्र, ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास, राजनीतिक भूगोल, राजनीति शास्त्र, गणित, खगोल के बारे में, और आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में, अर्थशास्त्र में, और जनसंख्या के आंकड़ों से संबंधित जानकारी है। इस पूरी जो पृथ्वी है, अपना पूरा जो भूगोल है, उसके अंतर हम इन विषयों पे क्या है चर्चा करेंगे, एक एक विषय का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज हमने जाना कि भूगोल के कौन कौन से विषय हैं और किन किन विषयों के बारे में हम किन किन तथ्यों का अध्ययन करेंगे, इन बातों से परिचित हुए। तो भूगोल के जो विषय हैं वो आपने पढ़े, इन भूगोल के जो विषय हैं इन पे अपने चर्चा की, अब इनके विस्तार से क्या है आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद।